हिसार छावनी में सेना की जांच एजेंसियों ने जासूसी करने वाले तीन पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के मोबाइल से सेना की गतिविधियों की वीडियो क्लिप मिली है। आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के शामली के मसाबी निवासी खालिद, मुजफ्फरनगर के शेरपुर गांव निवासी महताब और रागिब के रूप में हुई है। तीनों आरोपी एक हफ्ते पहले कैंट इलाके में आए थे। आपको बता दें कि छावनी में इन दिनों कैंट इलाके में मेस बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी के लिए एक सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने लेबर के तौर पर आरोपियों को हायर किया था। सेना की पूछताछ में तीनों युवक बार बार से अपना बयान बदल रहे हैं। अब सेना तीनों संदिग्धों से गहन पूछताछ के लिए पुलिस के हवाले करेगी। हमारे को थाना में सूचना मिली है कि कैंट हिसार के अंदर कुछ तीन सस्पेक्टेड पर्सन सीएमपी वालों ने अपने कब्जे में रखे हुए हैं। जो बता रहे हैं भाई, ये वहाँ का जवानों की पीटी करते हुए की वीडियो के लिए बनाए हुए हैं। तो हमने इस प्रकार की सूचना मिली, हमारे पास एफआईआर कोई नहीं है, हम इसकी जांच करने के बाद ही बता पाएंगे। कैंट हिसार से वापस आके जांच करके आएंगे ना, तो वापस आके बता पाएंगे कि सच्चाई क्या है। अभी तक कोई भी पूछताछ आपकी तरफ से कोई नहीं? हमारी तरफ से उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई है सस्पेक्टेड पर्सन से। अब हम जाने की तैयारी में है कैंट हिसार में सूचना के आधार पर। पाकिस्तान के जासूस का हिसार की धरती से पुराना नाता है। 18 साल पहले भी हिसार से छावनी की सूचनाओं को लीक करते हुए पाकिस्तान का पहला जासूस असगर अली पकड़ा गया था। उसके बाद लगातार कई जासूस पकड़े गए हैं जिनके पास से हिसार के दस्तावेज मिले हैं। वो लगातार हिसार में रह रहे हैं और देश की सुरक्षा को नुकसान पहुँचाने के लिए पाकिस्तान अपनी सूचनाएं भेजते रहते हैं। हिसार राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से काफी संवेदनशील शहर है। यहाँ सेना की छावनी के अलावा बीएसएफ कैंप भी है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर स्थित सिरसा में एयरफोर्स का एक एयरबेस स्टेशन बना है। पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पहले भी जासूस भेजे जाते रहे हैं। इसके चलते यहाँ स्थानीय पुलिस के अलावा सीआईडी, आईबी और सेना की इंटेलिजेंस भी हमेशा सतर्क रहती है। R9 TV के लिए हिसार से रुद्र राजेश कुंडू की रिपोर्ट।